गणेश जी हैं, गणेश पवार जी और उनकी वाइफ लक्ष्मी पवार, और आज इनके साथ ये दोनों, ये हस्बैंड जो है जॉब में है, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, और आज इनके साथ एक घटना हुई, उसके बाद उन्होंने एमवे बिजनेस करने का एक स्ट्रांग डिसीजन लिया है। तो थोड़ा सा क्या घटना हुई पवार साहब, आप बताएंगे? सर क्या है कि जैसे अभी तक के मैं प्लांट में काम कर रहा था, 10 साल करीब बीत गए, उसके बाद में अभी एक डिसीजन निकला है कि इन्हें आज से काम पे बंद कर दिया गया है सभी को। अचानक अपने बॉयलर बंद होने की वजह से ऊपर जबलपुर से ऑर्डर आया बोले कि प्राइवेट सेक्टर को बंद किया जाए। अच्छा, ये कब बताया आपको, कितने बजे घटना है? सर 7:30-8 बजे रात को। अभी रात। ओहो, तो ऐसा कितने लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो सर कम से कम मान के चलिए कि ज्यादा तो नहीं, 1100 लोग हैं। 1100 लोग अचानक बेरोजगार हो गए एक मिनट के अंदर एक डिसीजन से। तो पवार साहब, अब क्या मेंटलिटी है आपकी, आगे के लिए आपने क्या डिसाइड करा? सर आगे के लिए डिसाइड हुई है कि अब एमए बिजनेस करना है, पहले भी वही सोच कर रखा था, और इसमें आप मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें निकाल करके और अपना परिवार। अच्छा पवार साहब, आपने कितने साल दिए अपने जॉब को वहाँ पे? सर 10 से 12 साल दिए। और इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? सर शिक्षा तो मिल रही है कि जिस जॉब में अपन काम करते आए उसके बावजूद आज इसमें निकाल दिया, तो फिर एक अपने ही खुद का एक बिजनेस वैसे चालू किया जाए जिसमें आगे की लाइफ भी बने और किसी के धक्के ना खाना पड़े, अपना खुद का एक बिजनेस हो। तो आने वाले 2 साल के लिए कोई गेम प्लान बनाया पवार साहब आपने? सर बनाया तो है, में 2 साल की जगह सर 5 साल भी लग जाए तो उसमें टाइम दिया जाए और उसी को अच्छे से किया जाए। जो टाइम वहाँ देता था 8 घंटे से 10 घंटे, वो टाइम अब इसमें एमवे में दे करके आगे बढ़ा। अच्छा लक्ष्मी जी, आपको क्या मतलब फीलिंग है आपकी इसके बाद, इस घटना के बाद? इस घटना के बाद तो मेरी यही फीलिंग है कि जो भी हुआ टाइम रहते अच्छा हुआ। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम पहले से एमवे में थे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इनके साथ वाले हैं वो तो घर से बेघर हो गए। और मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, ऐसा टाइम किसी को नहीं दिखाए कि बच्चे के लिए खुद के लिए 2 टाइम का खाना नसीब ना हो। ऐसी जॉब करने से अच्छा है कि खुद का अपना बिजनेस करे, और अपना बिजनेस तो यही है कि एमबे करो आगे तक जाओ। थैंक यू गणेश भाई, लक्ष्मी जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच।